देखो शीट नंबर 83, शीट नंबर 83 ओपन कर सकते हो, मिली हुई आपको ऑलरेडी रोलिंग मोशन एंड फ्रिक्शन। ये शीट मैंने छोड़ी थी बीच में और कहा था इसको बाद में करवाऊंगा, तो आज इसको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले शीट नंबर 83 में रोलिंग मोशन एंड फ्रिक्शन, एक क्वेश्चन या एक कॉन्सेप्ट मैंने यूज किया था जब हमने ना एक्सेलरेशन निकाली थी। किसी भी कोई भी बॉडी अगर रोल करती हुई नीचे आती है, उसकी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। इस टॉपिक के प्रूफ में एक कॉन्सेप्ट फ्रिक्शन का यूज हुआ था और मैंने कहा था कि अगर कोई बॉडी रोल करती हुई नीचे आ रही है या रोल करती है तो फ्रिक्शन ग्राउंड पर स्टैटिक होती है, काइनेटिक नहीं होती। तो किसी ने पूछा क्यों नहीं होती, तो मैंने बोला था कि क्योंकि वो बॉडी स्लाइड करती हुई नहीं आ रही, घिसटती हुई नहीं आ रही, इसलिए काइनेटिक नहीं है। तो काफी लोग एग्री कर गए, हाँ ठीक है वो स्लाइड नहीं हो रही तो काइनेटिक नहीं है, सही है। पर इस बात से अभी भी कन्विंस नहीं थे कि अगर काइनेटिक नहीं है तो फिर स्टैटिक भी नहीं है, क्योंकि बॉडी अपनी जगह से अपनी जो है पोजीशन को चेंज करती है। पर मैंने क्या नाम दिया था फ्रिक्शन को, स्टैटिक। मैंने कहा था वो स्टैटिक ही है। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि ये स्टैटिक क्यों है, ठीक है यहां तक, और स्टैटिक कब कब लगती है कब नहीं लगती ये भी देखने जा रहे हैं, और स्टैटिक की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है ये भी देखने जा रहे हैं। तो करें स्टार्ट। तो इसको करने के लिए सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट हमें सीखना है। अगर मैं बात करता हूं रोलिंग फ्रिक्शन की, ठीक, या रोलिंग की, चलो फ्रिक्शन को छोड़ो, अगर मैं बात करता हूं सिर्फ प्योर रोलिंग की, तो प्योर रोलिंग का मतलब है कि किसी भी बॉडी का क्या करना, ट्रांसलेट करना, प्लस किसी भी बॉडी का क्या करना, प्योर रोटेट करना, और क्या मिल जाएगा हमें, प्योर रोलिंग, ठीक। ये हमने डिस्कस किया। तो एक मिनट के लिए अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि अगर कोई बॉडी प्योर ट्रांसलेशन में है, उसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बोलो क्या होगी, आप क्या बोलेंगे, v। अगर मैं पूछूं बताओ प्योर ट्रांसलेशन में इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है, आप फिर क्या बोलेंगे, v। अच्छा, इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है, v, इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है, v, और इस पॉइंट की वेलोसिटी भी कितनी है, v, क्योंकि हर पॉइंट विल ट्रांसलेट विद अ वेलोसिटी ऑफ v। कोई डाउट इसमें? अब रोटेशन की बात करते हैं। अगर कोई बॉडी खड़ी खड़ी रोटेट कर रही है तो बोलो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या है, जीरो। तो यहां पर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो। अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है तो उसके पास क्या होगा, ओमेगा, मान लो कॉन्स्टेंट ओमेगा के साथ कर रही है, तो बताओ टॉप मोस्ट पॉइंट के पास वेलोसिटी क्या होगी, आर इंटू ओमेगा। मैं सर्कुलर का कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं, टेंजेंशियल वेलोसिटी का। तो टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। बताओ इस पॉइंट की वेलोसिटी भी क्या होगी, इस तरफ, आर इंटू ओमेगा। इस पॉइंट की वेलोसिटी भी क्या होगी, आर इंटू ओमेगा। और इस पॉइंट की वेलोसिटी भी क्या होगी, आर इंटू ओमेगा, क्योंकि इट इज मूविंग इन अ प्योर सर्कुलर मोशन। हर पॉइंट की वेलोसिटी विल रिमेन सेम, आर ओमेगा, आर ओमेगा, आर ओमेगा एंड आर ओमेगा। कोई डाउट इसमें? पर हमने क्या सीखा कि रोलिंग इज कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। चलो कंबाइन करते हैं। इस टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी आगे की तरफ यहां पर क्या है, v। ये वेक्टर कहां है, आगे की तरफ, r ओमेगा। इसका मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी का वेक्टर सम यहां पर क्या बनेगा, v प्लस r ओमेगा। कोई डाउट इसमें? ठीक बोल रहा हूं यहां पर, क्योंकि हमने वेक्टर सम किया और वेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सही बोल रहा हूं कि दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो टॉप मोस्ट पॉइंट की नेट वेलोसिटी क्या बनेगी, v प्लस r ओमेगा। अच्छा बताओ बॉटम मोस्ट पॉइंट का क्या होगा, इस का वेक्टर राइट है तो इसका वेक्टर लेफ्ट है, तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे क्या बनेगा, v और r ओमेगा इन ऑपोजिट डायरेक्शन। कोई डाउट इसमें? ये भी क्लियर है, ठीक है, दो वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में। अच्छा इस पॉइंट का क्या होगा, ये वेलोसिटी का है राइट और ये वेलोसिटी का है r टाइम्स ओमेगा नीचे की तरफ, तो दो वेक्टर 90 डिग्री पे है तो इनका रिजल्टेंट क्या बनेगा, ये रिजल्टेंट होगा और ये रिजल्टेंट क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ v square plus r omega का whole square, क्योंकि angle 90 है तो obviously cos 90 zero हो जाएगा। और ऐसी इस point के लिए एक v इस तरफ है और r omega इस तरफ है, तो vector sum क्या आएगा इस तरफ, कितना, under root of what, same value आएगी इधर भी। तो आपको logic समझ में आ रहा है? तो जब हम बोलते हैं कि rolling motion है तो rolling motion का मतलब है translation की velocity and pure rotation की
वेलोसिटी का वेक्टर सम ले लेना तो प्योर रोलिंग में वेलोसिटीज आ जाएंगी। क्या ये पहला रूल क्लियर है यहां तक? ठीक है यहां तक कोई डाउट इसमें? तो मुझे एक चीज और बताओ कि अगर मैं ये बोलूं कि चलो इस डायग्राम को मैं नीचे फिर से ड्रॉ कर रहा हूं कि अगर कोई बॉडी क्या करती है, रोल करती है, ठीक रोल करती है, मैंने आपको यह सिखाया कि सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होती है वो इटसेल्फ क्या होती है, आर टाइम्स ओमेगा। ये हमने कई लेक्चर में, दो तीन लेक्चर पहले सीख लिया था कि कोई बॉडी अगर प्योर रोलिंग में होती है तो सेंटर ऑफ मास आगे मूव कर रहा होगा और कितनी वेलोसिटी से आगे मूव कर रहा होगा विद आर ओमेगा, ऐसे ही किया हमने। ठीक, तो यहां पे नेट वेलोसिटी हमने क्या निकाली, v प्लस आर ओमेगा। एक काम करते हैं, आर ओमेगा तो खुद क्या है, v ही है, तो v प्लस v ना कर दें, v प्लस v क्या आएगा, 2v। रिजल्ट आ गया, देखो यहां पर क्या आ रहा था, v प्लस आर ओमेगा, लेकिन आर ओमेगा की वैल्यू इटसेल्फ किसके इक्वल है, v के इक्वल, तो v प्लस v 2v। तो अगर यहां की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की v है तो टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी रोलिंग में हमेशा क्या होगी, 2v। बॉटम मोस्ट की बात करते हैं, बॉटम मोस्ट पॉइंट की राइट की तरफ वैल्यू v है, लेफ्ट की तरफ r ओमेगा, लेकिन r ओमेगा तो खुद रोलिंग में v है, तो v में से v सबट्रैक्ट या एडिशन ऑफ वेक्टर क्या बोलता है, बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी का वेक्टर सम क्या होगा, 0। क्लियर है यहां तक? तो अगर सेंटर ऑफ मास इज मूविंग विद v तो टॉप का पॉइंट इज मूविंग विद 2v, बॉटम का पॉइंट इज मूविंग विद 0। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? यहां की वेलोसिटी देखते हैं, यहां की वेलोसिटी v, तो यहां की वेलोसिटी v, देखो ये v और r ओमेगा की जगह v, तो इनका वेक्टर सम क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 2v। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी रोलिंग में हमेशा क्या होती है, अंडर रूट ऑफ 2v। ये स्टेप क्लियर है? अच्छा, इस पॉइंट की बात करते हैं, ये इधर v, r ओमेगा की जगह v, तो वेक्टर सम से क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 2v। तो ये इन पॉइंट्स की इंडिविजुअल वेलोसिटीज होंगी जब कोई बॉडी किस में होगी, प्योर रोलिंग में होगी। तो अगर ये चार पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है, लेकिन चार पॉइंट्स या पांच पॉइंट्स रादर, 1, 2, 3, 4 और 5, तो आज के बाद किसी भी न्यूमेरिकल में आपको ये सब डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है, ये कैसे हुआ ये आपको सिर्फ समझाने के लिए है। आज के बाद हम सीधा रिजल्ट लगाने वाले हैं। देखो क्या सीधा रिजल्ट ये लगाएंगे कि सपोज आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि कोई भी बॉडी सपोज प्योर रोलिंग में है, एंड प्योर रोलिंग के अंदर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी अगर v है, और v की जो भी वैल्यू गिवन होगी, यहां पे वेलोसिटी हमेशा क्या करनी है, 2v करनी है, यहां की वेलोसिटी हमेशा क्या करनी है, 0 करनी है, यहां की वेलोसिटी हमेशा क्या करनी है, अंडर रूट ऑफ 2v, और यहां की वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ 2v। क्या ये रिजल्ट याद रहेंगे? और कैसे आए, मैंने आपको जस्ट बता दिया कि वेक्टर सम से कैसे निकाले, पर हम उस डिटेल में कम ही जाते हैं, अनलेस कोई पूछना ले किसी और पॉइंट की वेलोसिटी, क्योंकि कल को अगर उसने पॉइंट चेंज कर दिया फिर देखो, फिर तो मेरे को वही कॉन्सेप्ट को यूज करके वेक्टर सम लगाना पड़ेगा, पर नॉर्मली ये पॉइंट्स के ऊपर तो आप निकाल ही लेंगे, इसमें कोई डाउट इसमें? अब ये बताएं कि जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है उसकी नेट वेलोसिटी क्या है, 0। बॉटम मोस्ट पॉइंट इसका मतलब प्रूव हो गया रोलिंग मोशन में इज एट रेस्ट, आपके सामने ही है, और अगर वो मूव नहीं कर रहा, वो स्लाइड नहीं कर रहा, इसका मतलब उसमें काइनेटिक फ्रिक्शन कभी भी नहीं होगी, उसमें कौन सी फ्रिक्शन होगी, स्टैटिक होगी, इट इज एट रेस्ट। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो रोलिंग मोशन के अंदर बॉटम मोस्ट पॉइंट क्योंकि वेलोसिटी उसकी 0 होती है, इसलिए वहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन कभी काम नहीं आएगी, वहां पर स्टैटिक आएगी। अब मैं इमेजिन करवाता हूं, ऐसा मान लो प्योर रोलिंग नहीं कर पाए आप, एक टायर को ऐसे नहीं घुमा पाए, तो अगर नहीं घुमा पाए तो ऐसा भी तो हो सकता है कि बॉटम मोस्ट पॉइंट पे दो वेलोसिटीज काम करती हैं, एक ट्रांसलेशन की और एक रोटेशन की। ट्रांसलेशन की वेलोसिटी वी सेंटर ऑफ मास और रोटेशन की कितनी, आर ओमेगा। अगर ये प्योर रोलिंग होगा तो ये इसके इक्वल होगा, बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी नेट 0 होगी, और कौन सी फ्रिक्शन अपना रोल प्ले करेगी, स्टैटिक। अच्छा मान लो ऐसा नहीं हुआ, बॉडी मिट्टी में फंस गई, अब वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही है पर निकल नहीं पा रही, इसका मतलब v सेंटर ऑफ मास इज नॉट इक्वल टू r ओमेगा। और अगर बिल्कुल ही मिट्टी में फंसी पड़ी है, उस टायर घूमता जा रहा है अपने एक्सिस के ऊपर, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वहां पर क्या होगी, बिल्कुल ही 0, और सिर्फ क्या हो रहा है,
आर ओमेगा, इसका मतलब ये हमेशा ट्रू थोड़ी ना है कि वी सेंटर ऑफ मास हमेशा आर ओमेगा के इक्वल होगा, वो तो तब ट्रू है जब बॉडी क्या करेगी, प्योर रोलिंग। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? अगर बॉडी का आर ओमेगा बड़ा हो गया, वी सेंटर ऑफ मास छोटा हो गया, इसका मतलब ये दो वेक्टर आपस में कैंसल नहीं कर पाएंगे, अनइक्वल हो गए, तो बॉटम मोस्ट पॉइंट रेस्ट पे नहीं रहेगा। और अगर बॉटम मोस्ट पॉइंट रेस्ट पे नहीं रहेगा तो वहां पर अब एक स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं आएगी, वहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन आएगी। मैं एग्जांपल देता हूं, मैं उल्टा कैसे इमेजिन करवाता हूं। आप एक बाइक चला रहे थे, आपने स्किड करना शुरू कर दिया, ब्रेक्स लगा ली। अब सेंटर ऑफ मास तो तेजी से आगे चलता जा रहा है, आर ओमेगा बहुत स्लो है, क्योंकि स्किडिंग में आर ओमेगा ओमेगा बहुत स्लो हो जाता है, टायर बहुत कम घूम रहा है और स्किडिंग ज्यादा हो रही है। तो क्या, कौन सा केस लिया आपने? वी सेंटर ऑफ मास इज ग्रेटर देन आर ओमेगा। अब देखो स्लाइडिंग हो रही है ना, घिसटती हुई जाएगी बाइक का टायर, घिसटता हुआ जाएगा, बिकॉज ये वेलोसिटी इससे बड़ी है। और अगर ये वेलोसिटी इससे बड़ी है और स्लाइडिंग हो रही है, तो यानी कि कौन सी फ्रिक्शन अपना रोल प्ले करेगी? काइनेटिक। अब काइनेटिक है तो स्टैटिक सिर्फ एक ही केस में करेगी, जब ये दोनों वेक्टर आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल, या वैल्यूज बराबर हो जाएंगी। वी सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू आर ओमेगा, और उस केस को क्या बोलते हैं? प्योर रोलिंग। अगर प्योर रोलिंग नहीं है, प्योर रोलिंग दो केस में नहीं होती, जब वी सेंटर ऑफ मास ग्रेटर देन आर ओमेगा, जब वी सेंटर ऑफ मास लेस देन आर ओमेगा, उस केस में फिर कौन सी फ्रिक्शन अपना रोल प्ले करेगी? काइनेटिक। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? इसको अब डिस्कस करें कैसे करना है इसे, पर बेसिक लॉजिक समझ में आ गया तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने इसमें रोलिंग को कैसे डिवाइड किया, प्योर रोलिंग, जो नॉर्मली हम इसको सॉल्व करते ही आए हैं, प्योर रोलिंग यानी कि रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग। तो दो बॉडीज रगड़ नहीं खाएंगी, स्लाइडिंग नहीं होगी, सिर्फ प्योर रोलिंग होगी। और दूसरा केस रोलिंग विद स्लाइडिंग, रोलिंग भी, रोलिंग विद स्लाइडिंग का मतलब जो टायर है वो स्किड करेगा। ठीक, तो पहला केस है प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग के अंदर मैंने आपको बता दिया, इन प्योर रोलिंग कॉन्टैक्ट पॉइंट, देख रहे हो ये कॉन्टैक्ट पॉइंट है, दैट इज बॉटम मोस्ट पॉइंट इज एट रेस्ट, इसलिए वी कैन से वी सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू आर ओमेगा। नोट, नो काइनेटिक फ्रिक्शन विल एक्ट ऑन द बॉडी, क्योंकि बॉडी जो है वो स्लाइड तो कर ही नहीं रही, तो काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं होगी, लिख दिया बिकॉज देयर इज नो स्लाइडिंग। फिर इसमें क्या लिखा, स्टैटिक फ्रिक्शन विल एक्ट इन केस ऑफ प्योर रोलिंग इफ एग्जिस्ट, अगर प्योर रोलिंग है, इम्प्योर नहीं है, तो फिर स्टैटिक ही काम करेगी। तो इसका मतलब है कि जब आप कोई टायर को या किसी बॉडी को टॉर्क प्रोवाइड करते हो और उसको प्योर रोल करवाते हो, यानी कि आपने एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई किया और उसको घुमाया, प्योर रोलिंग में घुमा दिया, तो उस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन काम करेगी, उस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन काम करेगी, और प्योर रोलिंग के केस में स्टैटिक फ्रिक्शन बोलना है। लेकिन अगर आपने उसको टच ही नहीं किया, फोर्स ही नहीं अप्लाई की मेरी तरफ से F0, तो बॉडी घूमेगी नहीं। अगर बॉडी घूमेगी नहीं तो बॉडी रेस्ट पे पड़ी रहेगी, तो फिर स्टार्ट होगी तो स्टैटिक ही, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या रहेगी फिर? जीरो, बिकॉज इट इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन। तो आपने कितनी फोर्स अप्लाई की उस पे मैटर करेगी इसकी वैल्यू। हम उसमें करते थे फ्रिक्शन में, स्टैटिक फ्रिक्शन आपकी फोर्स अप्लाइड पे डिपेंड करती है। तो इसलिए पॉइंट इसमें मेंशन किया कि आपको फोर्स लगानी पड़ेगी तो ही स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी वैल्यूज को जनरेट करेंगी। अगर आपने एक्सटर्नल फोर्स जीरो कर दिया कि मैं तो फोर्स लगाता नहीं, तो फिर स्टैटिक फ्रिक्शन भी क्या हो जाएगी? जीरो, बिकॉज इट इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन। तो यानी कि इसको सॉल्व करने का कोई फॉर्मूला नहीं मिलेगा आपको, इसको सॉल्व करने के लिए फ्री बॉडी डायग्राम करने पड़ेंगे। कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट है रोलिंग विद स्लाइडिंग। अब थोड़ा चेंज करते हैं और अब हम रोलिंग की बात करते हैं, लेकिन कुछ स्लाइडिंग के साथ, प्योर रोलिंग की बात नहीं। तो इस केस में कोई नहीं बोलेगा वी सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू आर ओमेगा एप्लीकेबल है, या फिर वी सेंटर ऑफ मास बड़ा होगा आर ओमेगा से, वी या वी सेंटर ऑफ मास छोटा होगा आर ओमेगा से। तो हम पहला केस करते हैं, वी सेंटर ऑफ मास बड़ा होगा आर ओमेगा से। तो मान लो बॉडी रोल कर रही है और वी सेंटर ऑफ मास बड़ा है, आर ओमेगा छोटा है, तो आपको लगता नहीं सेंटर ऑफ मास बहुत तेजी से जा रहा है, घूम कम रहा है, इसका मतलब आपकी बाइक या कार का टायर क्या कर रहा है? स्किड करता हुआ जा रहा है, घिसटता हुआ आगे जाता जा रहा है। और अगर लोअर मोस्ट पॉइंट घिसटता हुआ आगे जाएगा, तो बोलो फ्रिक्शन कहां करेगी?
पीछे। तो कौन सी एक्ट करेगी, स्टैटिक नहीं स्लाइडिंग है, कौन सी काइनेटिक। गुड आउट इसमें, तो इस केस में काइनेटिक एक्ट करेगी और काइनेटिक की डायरेक्शन क्लियर हो गई यहां पर, ठीक। तो मैंने लिख दिया इसमें हेयर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विल मूव या स्लाइड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, देयरफॉर काइनेटिक फ्रिक्शन एफ ऑफ के विल एग्जिस्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है यहां तक। और एफ के दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन विल जनरेट टॉर्क इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब इसको देखो एक बार, सपोज करो ये आपका टायर है, जैसे मैंने भी एग्जांपल लिया, मान लो ये आपका टायर है और काइनेटिक फ्रिक्शन कहाँ कर रही है, इधर। सोचो अगर मैं इधर फोर्स लगाता हूँ अपने हाथ से नीचे, तो ये सर्कल कैसे घूम रहा है, डिस्क कैसे घूमेगी, ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है। जब मैं फोर्स को ऐसे लगाऊंगा नीचे से तो ऐसे घूमेगी, देखो डाउट इसमें, ठीक है यहां तक। तो इट मींस कि आपकी जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो ये चाहती है कि टायर घूमे। अब क्यों नहीं घूम पा रहा, हो सकता है नीचे सैंड हो, सड़क प्रॉपर नहीं है, स्किडिंग हो ही जा रही है, या टायर घिसे हुए हैं नहीं घूम पा रहे, पकड़ नहीं पा रहे जमीन को, स्लाइड ब्रेक्स लगा दी स्लाइड होता जा रहा, कोई भी रीजन है। मान लो वहां पर सैंड थी और स्किडिंग स्टार्ट हो गई, पर थोड़ी देर के बाद सड़क एकदम प्रॉपर थी, अब स्किडिंग कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो ऐसा नहीं कि टायर नहीं जो है स्लाइड नहीं करेगा, टायर स्लाइड कर रहा था, सड़क एकदम प्रॉपर हो गई, फ्रिक्शन एकदम सफिशिएंट हो गई। तो क्या हुआ, काइनेटिक यहां कर रही थी और उसने क्या किया, इसको घुमाना शुरू कर दिया। या ऐसा भी बोल सकते हो कि आपने सीधा इसको स्लाइड करते हुआ फेंका था, ऐसे आपने घुमा के फेंका ही नहीं, जब आपने बिल्कुल स्लाइड करता हुआ फेंका, हल्का हल्का घूम रहा था, क्योंकि आपने एक तो ना रोल करवा दिया, वो नहीं किया स्लाइड करवा दिया। तो काइनेटिक फ्रिक्शन ने क्या किया, इसमें रोटेशन का इफेक्ट ला दिया, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन अगर ऐसे एक्ट करेगी इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ दिस टायर, तो इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क जनरेट करेगी। होगा क्या, टॉर्क जनरेट होगा और टॉर्क जनरेट करने से ओमेगा बढ़ता जाएगा। कुछ देर के बाद क्या होगा, कुछ देर के बाद एफ के विल जनरेट अ टॉर्क इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ओमेगा स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, क्योंकि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन हेल्प कर रही है घूमने में, ओमेगा बढ़ता जाएगा और वी ऑफ सी इसकी स्केडिंग थोड़ी सी कम होती जाएगी और घूमना ज्यादा होता जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पहले बहुत ज्यादा थी, अब वो थोड़ी स्लो हो जाएगी, और रोटेशन पहले कम थी, अब रोटेशन ज्यादा हो जाएगी। क्यों ज्यादा होगी, किसने टॉर्क जनरेट करवाया, काइनेटिक फ्रिक्शन ने, उसको घुमाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद क्या होगा, बॉडी स्किड करना बंद कर देगी और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी फाइनल चेंज हो जाएगी, ओमेगा की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी और बॉडी क्या स्टार्ट करेगी, प्योर रोलिंग, टायर ठीक तरह रोल करना स्टार्ट कर देगा। एंड उस टाइम हम बोल सकते हैं कि वी सेंटर ऑफ मास की जो नई वेलोसिटी होगी दैट विल फॉलो दिस फॉर्मूला वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि अगर आप एक सड़क पे टायर को सीधा स्लाइड करते हो फेंक भी देते हो तो वो सिर्फ स्लाइड नहीं करेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन ऐसे एक्ट करेगी कि उसकी क्या स्टार्ट कर देगी, प्योर रोलिंग। कोई डाउट इसमें, लॉजिक समझ में आ रहा है कि आपने तो टायर को स्लाइड ही करवाया था पर वो स्लाइड नहीं कर रहा, वो क्या शुरू कर देगा, रोलिंग स्टार्ट कर देगा। कोई डाउट इसमें, तो लॉजिक समझ में आ रहा है। तो ये भी तो केस हो सकता है, और हाँ जैसी वो प्योर रोलिंग में आएगा स्टैटिक जो है काइनेटिक क्या हो जाएगी, जीरो, घिसटना बंद हो जाएगा। अब फिर से कौन सी फ्रिक्शन आ जाएगी, स्टैटिक। तो लॉजिक समझ में आ रहा है कि क्यों जब हम किसी भी चीज को जो है स्लाइड करवाते हैं लेकिन वो अगर फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है तो उसको स्लाइड प्रॉपर करवा नहीं पाते, उसकी क्या स्टार्ट हो जाएगी, रोलिंग। क्लियर है यहां तक। तो अब इस केस में जैसे नेक्स्ट है, फिर से एक टायर है या कोई बॉडी है, अब VC less than R omega है, मतलब जैसे टायर मिट्टी में फंस चुका है, R omega बहुत ज्यादा है, निकलने की कोशिश तो कर रहा है, VC इसमें थोड़ा कम है, लेकिन तो यानी कि R omega बड़ा है, VC की वैल्यू कम है। अब क्योंकि लोअर मोस्ट पॉइंट पे दो वेलोसिटीज एक्ट करती हैं, एक सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी और एक R omega, दोनों बराबर होती तो जीरो पे हो जाता, प्योर रोलिंग। अब इसमें ये बड़ा है और ये छोटे। अब एक चीज देखो, ये वाला पार्टिकल घूम कैसे रहा है, ऐसे घूम रहा है, ये पार्टिकल कहां जा रहा है, लेफ्ट, तो फ्रिक्शन कहां एक्ट करेगी, राइट। तो एक स्टूडेंट अभी बोला दूसरे बैच में, जब मैं बोल रहा था कि इसमें भी तो ऐसे ही हो रहा था,
ये पार्टिकल कहाँ जा रहा था? लेफ्ट। तो आपने कहा फ्रिक्शन कहाँ? लेफ्ट। ये क्या बात बनी? पार्टिकल की डायरेक्शन थोड़ी ना डिसाइड कर रही है। कौन डिसाइड कर रहा है? कौन बड़ा वेक्टर है? अगर तो वीसी बड़ा वेक्टर है, पिछले केस में वीसी बड़ा था, तो फ्रिक्शन ऑपोजिट है। इस केस में कौन बड़ा है? आर ओमेगा बड़ा है, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन ऑपोजिट है। पॉइंट समझ में आया क्या लॉजिक है? तो जो भी वेलोसिटी का कंपोनेंट बड़ा होगा उसके अगेंस्ट फ्रिक्शन काम करेगी। और कौन सी काम करेगी? स्टैटिक की काइनेटिक? काइनेटिक। क्यों काइनेटिक? क्योंकि स्टैटिक तो तब काम करती है जब ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के बराबर हैं, इसमें बराबर नहीं है, कोई डाउट इसमें? ठीक, तो काइनेटिक फ्रिक्शन यहां काम करेगी। अच्छा, अब एक चीज बताओ, अगर काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू इस डायरेक्शन में है, तो सोचो इस डायरेक्शन में है, ये इसे कैसे घुमाएगी? इन एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, यहां एंटी क्लॉक ऐसे घूमेगी घड़ी, तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। लेकिन आप रेस दबा के या किसी भी तरीके से इसको कैसे घुमा रहे थे? क्लॉकवाइज। फ्रिक्शन क्या चाहती है? एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब फ्रिक्शन आपकी ओमेगा को क्या करेगी? इंक्रीज के डिक्रीज? डिक्रीज। तो ओमेगा आपका क्या था? कुछ ज्यादा। फ्रिक्शन ऐसे एक्ट करेगी कि आपका ओमेगा क्या हो जाए? कम। और अगर ओमेगा कम हो गया तो वीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीजिंग। तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा? वीसी की वैल्यू जो कम थी वो बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, ओमेगा की वैल्यू जो ज्यादा थी वो कम होनी स्टार्ट हो जाएगी, और थोड़ी देर के बाद वी जो है वीसी वी एफ बन जाएगा और ओमेगा ओमेगा एफ बन जाएगा, और टायर ठीक तरह रोल करना स्टार्ट कर देगा, और थोड़ी देर में वी कैन से वी इज इक्वल टू आर ओमेगा इज फॉलोड, टायर जो फंसा हुआ था बाहर निकल गया, उसकी प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गई। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो इस केस में फिर से काइनेटिक क्या हो जाएगी? जीरो, जब बॉडी प्योर रोलिंग में आ जाएगी। तो आइडिया क्लियर है कि ये फ्रिक्शंस इसमें कैसे काम करती हैं? ठीक है यहां तक? हाँ, काइनेटिक फ्रिक्शन ऐसे काम करती है, वो सही कह रहा है, वो चाहती है कि बॉडी घूमे, प्योर रोलिंग में हो, वो चाहती है प्योर रोलिंग हो। लेकिन किसी तरीके से अगर नहीं हो पाती, पर उसका पूरी कोशिश यही रहती है कि इतनी फ्रिक्शन मिल जाए कि प्योर रोलिंग में आ जाए। वो कमजोर तब पड़ेगी फ्रिक्शन जब सैंड गिरा हुआ है, ऑयल गिरा हुआ है, फिर एफकेबी क्या करेगा उसमें? फिर प्योर रोलिंग में आ नहीं पाएगी। पर जहां उसको कोई रफ सरफेस मिल गई तो उसको रोल करवाना शुरू कर देना। ठीक है यहां तक? सो इसके बेस पे अब मैं आंसर देने जा रहा हूं कि हमने जब इंक्लाइंड प्लेन पे एक बॉडी को रिलीज किया था और हमने एक एक्सप्रेशन किया था, एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वाज इक्वल टू व्हाट? जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो हमने इस एक्सप्रेशन के अंदर एक फ्रिक्शन यूज की थी जो टॉर्क जनरेट करवाती थी। अब कोई, क्योंकि वो प्योर रोलिंग का केस था, तो अब बताने की जरूरत नहीं कि वो फ्रिक्शन काइनेटिक नहीं थी, वो स्टैटिक थी, क्योंकि प्योर रोलिंग में काइनेटिक काम करती ही रही है, प्योर रोलिंग में स्टैटिक ही काम करती है। कोई डाउट इसमें? ये आंसर दिया आज मैंने, उस दिन नहीं दे पाया था। अब समझ पा रहे हो ना कि कितना थोड़ा लंबा था, तो मैंने कहा था अभी स्टैटिक कर लो, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि स्टैटिक क्यों हुआ। ठीक, सो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इन टायर्स ऑफ बाइसिकल। जब हम एक साइकिल चलाते हैं तो पेडल मारते हैं, चेन पिछले टायर के साथ अटैच्ड है, तो ये टायर आगे घूमता है, ये टायर भी वैसे ही घूमता है। अगर ये ऐसे घूम रहा है तो उल्टा कैसे घूमेगा? सेम। पर मजे की बात है, इसमें फ्रिक्शन इस तरफ है तो इसमें फ्रिक्शन इस तरफ है, कैसे? जबकि टायर की डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं, टायर तो कैसे घूम रहे हैं, फ्रिक्शन फिर भी ऑपोजिट है।
सबसे पहले अगर एक लाइन में आंसर दे रहे हैं तो आप इमेजिन करो कि आप इस टायर, देखो इसको तो पैडल मारना ही पड़ेगा और कोई तरीका ही नहीं है, आप पैडल मारो, इसको घुमाओ। इमेजिन करो कि ये टायर नहीं है, एक गत्ते का बॉक्स है, ठीक है, एक बॉक्स लगा दिया यार, नहीं मेरे को साइकिल नहीं बनानी टायर वाली, मैं बॉक्स लगाऊंगा एक हल्का सा, क्या प्रॉब्लम है, हैंडल ही रखना है ना, तक गिर ना जाए, तो एक बॉक्स पे रख लेता हूँ, पीछे से मैं क्या करूंगा, मैं उसको पेडल मारूंगा और ठीक, साइकिल तो तब भी चलेगी, बॉक्स घिसड़ता हुआ जाएगा, स्लो चलेगी, चलेगी तो सही, चलेगी तो सही, तो आगे का जो टायर बोलते हो, टायर की जगह मैं बॉक्स बोलता हूँ, तो आगे का बॉक्स स्लाइड करता हुआ आगे जाता जाएगा, कोई डाउट इसमें, ठीक है यहाँ तक, इमेजिन कर पा रहे हो इसे। वो कुछ वो बच्चे, वो छोटे बच्चे चलना सीखते हैं ना, तो वो भी मिलता है एक ट्रायंगल सा, दो पीछे पहिए लगे होते हैं और एक आगे भी लगा होता है, आगे का हटा दोगे तो सिंपल एक वो एक वुडन छोटा सा डंडा ही लगा होता है, तो आप पीछे से उसको धक्का मारते जाओ, तो सारे पहिए लगा देंगे, बच्चे पहली बार सीख रहे चलना और वो रोल करता हुआ आगे जाएगा तो गिर जाएगा वो, तो उसको स्लो चलना है, सपोर्ट चाहिए, सिर्फ चले भी और सपोर्ट भी चाहिए, तो दो जो पीछे के व्हील्स हैं वो घूमते हैं जब वो जोर लगाता है, आगे सिंपल एक रॉड है किसी स्लाइड करती हुई जमीन से आगे जाती जाती है, तो फ्रिक्शन आगे की रॉड पे कहाँ कर रही है, पीछे, और क्योंकि फ्रिक्शन हेल्प करती है चलने में, फ्रिक्शन हेल्प करती है घूमने में भी, तो फ्रिक्शन हमें हेल्प करती है, अगर मैं चलता हूं तो हमने फ्रिक्शन में डिस्कस भी किया था, जब हम चलते हैं तो हमारा पैर पीछे जाता है, फ्रिक्शन आगे जाती है, बिल्कुल वैसे ही रोलिंग के अंदर भी फ्रिक्शन हमें हेल्प कर रही है कि हम हमारा जो टायर है वो घूमे, चलने की तरह फ्रिक्शन इसमें भी घूमने में हेल्प करती है, तो इसमें फ्रिक्शन हेल्प कर रही है, और ये तो एक स्लाइडिंग वाला केस है, इमेजिन करो कोई बॉडी को ऐसे धक्का मारते जा रहे हो, ये जनरेशन तो कुछ कर नहीं रही, तो इसमें फ्रिक्शन कहाँ करेगी, पीछे की तरफ, तो इसमें आपने ये देखना है कि ये पेडल की वजह से मैं इसे जो है इस तरफ लेके जा रहा हूँ, इसमें फ्रिक्शन हेल्प करेगी और इसमें स्लाइडिंग के केस की वजह से फ्रिक्शन अपोज करेगी, इसको किसी और तरीके से भी देखते हैं। वैसे तो वीडियोज है मेरे पास, बट मैं वीडियो जो है मतलब वीडियो थी मेरे पास लास्ट ईयर, पर मेरे से कई गुम गई, अब डाउनलोड नहीं कर पाया, इंटरनेट भी सही नहीं चल रहा, तो लास्ट ईयर का लेक्चर ही आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ कि क्या वीडियोस मैंने दिखाई थी दो, और जिससे कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो लाइट्स को प्लीज़ थोड़ा बंद करेंगे, प्लीज़ लाइट बंद कर लो, पीछे की रहने देना, बस आगे की कर देना, बस बस of bonds and building bonds and try and use that knowledge and our picture of okay you like one karna bas theek that knowledge and our picture of formation of bonds and breaking of bonds to a very real life problem. Have you ever wondered when you're riding a cycle in which direction is friction acting on your wheels? The road looks really rough, right? So there must be some friction acting. Then if it is it acting forwards or is it acting backwards? Is it the same for the front wheel and for the back wheel? There are multiple questions I just asked. I want you to think about them. The answer for these is what we do. To find the answer to this question, let's do something really mischievous. Just when somebody is about to start their cycle, we bring in a giant who just lifts the cycle up with the handlebars and the seats and lets them pedal. Now they're pedaling the cycle, but then the cycle's not in touch with the ground. What will be happening? One wheel will rotate for sure, the back wheel, because that's pretty much what you're doing with your legs, right? You're rotating that wheel. But what will happen to the front wheel? It will not rotate at all. It will be at rest. Now what the giant does, it slowly begins to lower the bicycle, but not before making the road super smooth and slippery and putting a paper on it. Yeah? So this means that the paper can just move either ways really, really easily. Then it tilts the bicycle a little bit and puts it on the road such that the front wheel touches. But now, is that anything meaningful? Is that anything important?
उसने कहा कि इमेजिन करते हैं एक साइकिल उसने हवा में उठाया, उसने कहा कि जो टॉर्क लग रहा है हम घुमा रहे हैं एक टायर, वो पीछे वाला टायर घुमा रहे हैं, अगला टायर को हम टच भी नहीं कर रहे, तो जब मैंने हवा में उठाया तो आपने देखा कि पिछला टायर घूम रहा था, अगला टायर रेस्ट पे था, राइट, उसके साथ चेन नहीं बंधी हुई ना, तो जब वो कहता है कि अगला टायर मैं नीचे रखा तो कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि ये हवा में घूम रहा है, इस पे तो हमने फोर्स लगाई भी नहीं थी। यहां तक क्लियर है? Mindful nothing, right? The wheel was not rotating. Just touching now. It'll remain that way. It gets interesting when he does this. When he puts the back wheel as well. The moment the back wheel touches the piece of paper, something interesting is going to happen. Right? Because when initially the front wheel alone was touching, there was contact, but there was bonds were forming. What? Bonds form over. Nothing much happened. Rest but now, bond form when the back wheel is also touched, ye move kar raha and the bonds are forming between the back wheel and piece of paper, the back wheel is rotating. So it's going to move, bond, and along with that, push the piece of paper. और इसमें एक और एक assumption लिया please, उसने क्या बताया आपने ध्यान से, आवाज slow थी, उसने कहा imagine करते हैं जो floor है, जो ground है, वो rest पे नहीं है, basically वो कहता है नीचे एक page रख लो, बड़ा सा page है, तो जब ये टायर नीचे इस तरीके से घूमेगा, तो page की direction अगर left है, तो friction यानी कि टायर पे right है, तो उल्टा बोल रहा है, right? तो वो देखना चाहता है कि page की direction कहाँ गई, तो जैसे ही चलता हुआ व्हील कहां पर आया, यहां पे रखा, तो पेज कहां जाएगा, वो कह रहे लेफ्ट जाएगा, वो क्यों जाएगा, बॉन्ड बने हुए थे, ये बॉन्ड तो ऊपर चला गया, ये वाला बॉन्ड इस पेज को पीछे लेके जा रहा है, they keep doing this, new parts the wheel are going to touch the paper, form a bond, push it and go back, तो इस टायर पे फ्रिक्शन काज करेगी, paper is going to move that way, but while that's happening, right, what has to happen is that this paper that has formed bonds with the front wheel will start pulling that front wheel, right? So here the back wheel is pushing the paper that way. Paper back. But that's leading to the paper pulling the front wheel. This front wheel way. So after, if you just look at it now, it looks like both wheels are rotating. But one of them is the cause of this paper to move. And the paper in turn creates the front wheel to rotate in the forward direction. Now coming to the question. वो कह रहे हैं imagine करो एक hard paper है. Back wheel ने paper को पीछे push किया. पूरा पेपर पीछे मूव कर रहा है, वो पेपर मूव करने की वजह से ये टायर आगे गया, राइट, तो इमेजिन कर रहे हो चीज को, राइट, क्लियर है यहां तक? तो पहले पिछला व्हील समझ में आया कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, व्हाट्स द फ्रिक्शनल फोर्स इन दिस केसेस, लेट्स लुक एट द बैक व्हील फर्स्ट, द बैक व्हील केम इन कांटेक्ट विद द पेपर, सी फॉर्म सम बॉन्ड्स विद इट, एंड थ्रू दोस बॉन्ड्स पुश द पेपर पीछे बैकवर्ड्स, parallel to the surface, right? तो इस पे friction, this is kind of what we call, or this is exactly what we call friction. So the back wheel applied a frictional force on the paper backwards. By Newton's third law, the paper must have applied a frictional force on the back wheel forwards. So the frictional force on the back wheel is forwards. Now that's interesting. What about the front wheel? Is it going to be the same? Big back clear हो गया ना? If you look at the front wheel, front. It had formed some bonds with the paper already. Bond. And then the paper began to paper कहाँ जा रहा था? That way, thereby pulling. टायर the front wheel, that तो पेपर पीछे जा रहा है now, और टायर फ्रंट व्हील इज फीलिंग अ पुल फ्रॉम द पेपर इन डायरेक्शन पैरेलल बिकॉज़ ऑफ द कांटेक्ट दैट्स एग्जैक्टली फ्रिक्शन सो दैट फोर्स इफ यू मार्क दैट इज द फ्रिक्शन ऑन द फ्रंट व्हील एंड दैट्स फ्रिक्शन बैकवर्ड्स इस तरफ क्योंकि सो व्हेन अ साइकिल इज बीइंग पेडल्ड फॉरवर्ड्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर राइट ध्यान से तो इसमें क्या कर वो बता रहा है कि ये आप ये तो समझ में आ गया आपको वो ना बॉन्ड से समझा रहा है ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ग्राउंड रेस्ट पे ना माने एक मिनट पेपर मान लें ये पेपर क्योंकि जब टायर इस तरीके से घूम रहा है तो ये जो पेपर है वो कहाँ जा रहा है पीछे तो अगर इमेजिन करो ये पेपर पीछे जा रहा है तो उसने कहा टायर के ऊपर जो फ्रिक्शन है उसकी आगे है और मैंने आपको वैसे भी एक आसान एक्सप्लेनेशन दी कि जब भी कोई चीज़ चलना चाहती है या घूमना चाहती है तो फ्रिक्शन उसको हेल्प ही करेगा फ्रिक्शन अपोज नहीं करेगा तो इसकी फ्रिक्शन तो पक्की बात थी आगे ही एक्ट करेगी और मैंने क्या बताया कि ये जो टायर है इसने तो बॉन्ड पेपर से समझाया पेपर इधर जा रहा है और बॉन्ड ऐसे जा रहे हैं मेरे हिसाब से सिंपल एक्सप्लेनेशन है कि ये जैसे मैंने इमेजिन किया एक बॉक्स मान लें या कोई भी एक रॉड मान लें तो ये सिंपल इसलिए सर्कल बनाया ताकि ईजी हो जाए पेडल मार के चीज को आगे चलाना अदरवाइज अगर हम बॉक्स रखेंगे तो फ्रिक्शन ऑब्वियसली पीछे की तरफ उसको रोकेगी आप कुछ नहीं कर रहे आप आगे के टायर को सिर्फ
जो है उसने बोला ना, एक वर्ड बोला था, पुश एंड पुल। तो आप कुछ नहीं कर रहे, आगे के टायर को सिंपली आप पुश करते जा रहे हो कि वो आगे चले, और ताकि फ्रिक्शन कहाँ ऐड करे, पीछे ऐड करे। इट इज़ अ केस ऑफ पुश। तो ये पूरी एक्सप्लेनेशन है। हालांकि आपको स्कूल में एक आध नंबर की आ सकती है, वो जो है पूछ सकता है कि डायरेक्शन बताओ फ्रिक्शन की, बट थोड़ा ज़्यादा डीपली इसने बॉन्ड्स की फॉर्म में समझा दिया। अदरवाइज ये एक्सप्लेनेशन मोर देन सफिशियंट है कि आप आगे के टायर को सिंपली पुश कर रहे हैं और पीछे फ्रिक्शन आपको हेल्प करती जा रही है, आप पेडल मार रहे हैं। इस तरीके से आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हो। एक बहुत और बढ़िया वीडियो है जो आप ये देखना, जो नेक्स्ट वीडियो है, ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर करता है। तो बहुत बढ़िया तरीके से रूलिंग एक्सप्लेन की तरह ध्यान से देखना इसे। ये सही है। इफ आई प्रेस इट विद दिस स्केल, आई एम प्रेसिंग दिस अपर सरफेस विद दिस स्केल एंड जेंटली पुशिंग इट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन सो दैट द ट्यूब इज रोटेटिंग एंड गोइंग अहेड एंड द अपर सरफेस इज डेफिनेटली moving in forward direction and the scale is also moving in forward direction, you can see, and there is no slipping between the scale and the tube. It's not rubbing like this or it's not rubbing like this. So here these two velocities are same, the velocity of the topmost point and this plastic scale, they are same scale or velocity. So this tube is rolling on both the surfaces, the surface of the table as well as the surface of the scale. Now my experiment is this. I keep it here and place this scale here. The zero of this scale is right at the top of this tube. I very gently push it forward so that there is no slipping between the scale and the tube. And of course there is no slipping between the tube and the table. And let me pure rolling. Do it without slipping, for pure rolling. This much time so that the other end of the scale is now at the top surface. Right. Pura scale pass kar gaya, right? So here. How much has the tube moved in the forward direction and how much has the scale moved in the forward direction? Right. So the scale is, the front edge of the scale has reached here and this tube, the center of the tube has reached here, and when we started the motion, we started when both of these, the front edge of this scale and this center of the tube, they were here at this edge. So how much has the scale moved and how much has the tube moved in forward direction? So you can measure. First tube, you see, is just one scale, length of one scale. It starts from here
and the tube reached here. So it's 30 centimeters. इसमें ये पॉइंट एक्सपेरिमेंट समझ में आया. ये एक्सपेरिमेंट ये कह रहा है कि आपने एक बॉडी को रोल करवाया, ठीक है, एक सिलेंडर है, कोई भी बॉडी रोल करवाया. रोलिंग के टाइम पे क्या हुआ, रोलिंग यहाँ से स्टार्ट हुई थी, स्केल का ये वाला हिस्सा एग्जैक्टली इसके ऊपर था. रोलिंग स्टार्ट हुई और ये रोलिंग के अंदर अगर सिलेंडर ने यहाँ तक डिस्टेंस कवर किया तो स्केल यहाँ पर आके रुका. तो सिलेंडर ने के सेंटर ऑफ मास में कितना डिस्टेंस कवर किया, मान लो 30 सेंटीमीटर का स्केल है, 30 सेंटीमीटर, तो स्केल क्योंकि कहाँ पर था, उस सिलेंडर के टॉप पे था, और टॉप की वेलोसिटी क्या होती है, डबल, सेंटर ऑफ मास से डबल. अगर सेंटर ऑफ मास वी है तो टॉप पॉइंट की वेलोसिटी 2v है, तो वो डिस्प्लेसमेंट भी डबल कवर कर गया. तो स्केल देखो 30 + 30 60 सेंटीमीटर कवर कर गया, और सेंटर ऑफ मास 30 सेंटीमीटर. तो प्रूफ है ये कि सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी अगर वी है तो किसी भी स्फीयर या किसी भी कोई भी बॉडी जब रोल करती है टॉप का जो पॉइंट है उसकी वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास से हमेशा डबल होती है. पॉइंट समझ में आया यहाँ तक, एक्सपेरिमेंट क्या शो कर रहा है, कोई डाउट इसमें, ठीक, क्योंकि स्केल टॉप मोस्ट पॉइंट पे था तो वेलोसिटी डबल है वहां पर, तो डिस्प्लेसमेंट भी डबल हो गई. सेंटर ऑफ मास हाफ डिस्टेंस पे तो वेलोसिटी क्योंकि उसकी हाफ है. कोई डाउट इसमें, लाइट्स ऑन कर दो प्लीज. ठीक, तो ये बुक्स में गिवन होता है कि डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन बताओ साइक्लिस्ट में क्या होती है, आप ऐसे मार्क कर सकते हो. अब मैं एग्जांपल देता हूँ रोलिंग का, आपने रोलिंग की प्रॉब्लम्स करनी कैसे है. उसके लिए सबसे पहली चीज हम प्योर रोलिंग लेते हैं. प्योर रोलिंग के अंदर मान लो एक स्फीयर है, एक स्फीयर को आपने एफ फोर्स अप्लाई की एट टॉप मोस्ट पॉइंट ताकि उसमें टॉर्क जनरेट हो और स्फीयर आगे रोल कर सके. क्वेश्चन में गिवन है कि दिस इज अ केस ऑफ अ प्योर रोलिंग, और क्वेश्चन है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, और सेकेंड क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है फाइंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. तो रूल नंबर वन, इसमें फ्रिक्शन कौन सी होगी, स्टैटिक, क्योंकि इट इज अ केस ऑफ प्योर रोलिंग. और रोलिंग की प्रॉब्लम दो तरीके से सॉल्व होती है, या रोलिंग दो तरीके से बनी हुई है, एक ट्रांसलेशन एक रोटेशन. तो एक काम करते हैं, इसमें फोर्स आगे है तो टॉर्क क्लॉकवाइज होगा, मतलब ये बॉडी क्लॉकवाइज घूमेगी. तो इसमें जो बॉटम का पॉइंट है, बॉटम मोस्ट पॉइंट है, वो कहां जाएगा, पीछे जाएगा. तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे फ्रिक्शन कहां करेगी, आगे करेगी. कोई डाउट इसमें, तो इस केस में एफ की जो डायरेक्शन है वो आगे है, तो ये वाला पॉइंट जो है पीछे जाएगा, फ्रिक्शन आगे. तो क्योंकि हमने फ्रिक्शन में डिस्कस भी किया था फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट होती है, तो अगर एक फ्रिक्शन इस स्फीयर पे लगी तो एक ग्राउंड पे भी लगेगी इक्वल एंड ऑपोजिट, जैसे हम ब्लॉक के फ्रिक्शन को भी ऐसे किया करते थे. तो ये पॉइंट क्लियर है यहां तक. तो एक इक्वेशन ट्रांसलेशन की और एक रोटेशन की बनेगी. ट्रांसलेशन की इक्वेशन किस पे बनती है, सेंटर ऑफ मास पे, क्योंकि कौन ट्रांसलेट कर रहा है, सेंटर ऑफ मास. तो सेंटर ऑफ मास का मतलब है कि आप अपने नॉर्मल लॉज ऑफ मोशन के कॉन्सेप्ट लगाओगे जो हम फोर्स एंड फ्रिक्शन में लगाया करते थे. वो क्या, ये बताओ कि आगे की तरफ कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं इस स्फीयर पे, एक एफ और एक ये एफ, ये नहीं कर रही, ये नहीं कर रही क्योंकि ये तो ग्राउंड पे कर रही है. तो नेट फोर्स आगे की तरफ क्या है, एफ प्लस एफ, और नेट फोर्स क्या होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन. मास कहां पर पड़ा हुआ है, सेंटर ऑफ मास पे, और सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन क्या है, ए सेंटर ऑफ मास. इक्वेशन नंबर वन क्लियर है. तो पहली इक्वेशन तो वही लॉज ऑफ मोशन वाली, सेम सेंटर ऑफ मास पे, और दूसरी इक्वेशन किसकी, रोटेशन की. रोटेशन की इक्वेशन फोर्स से नहीं बनती, रोटेशन की किससे बनती है, टॉर्क से बनती है. तो बनाई टॉर्क से इक्वेशन. तो टॉर्क से इक्वेशन क्या बनेगी, ध्यान से देखो. टॉर्क इसमें देखो, इसका कोई काम नहीं है, ग्राउंड पे जो फ्रिक्शन लग गई, ग्राउंड तो मूव करने से रहा, तो बताने के लिए बताया कि इक्वल एंड ऑपोजिट है, नॉर्मली इन दोनों का ही काम है. तो ये एफ इस बॉडी को कैसे घुमा रहा है, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. अगर ये एक्सिस है तो टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, आर इंटू एफ. तो आर इंटू एफ बॉडी को कैसे घुमा रहा है, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. और उसी तरीके से जो स्मॉल एफ है, अगर मैं स्मॉल एफ को इस तरीके से लगाऊंगा, कुछ ऐसे लगाऊंगा, तो बॉडी कैसे घूमेगी, एंटी क्लॉकवाइज. तो आर इंटू एफ जो टॉर्क है वो कैसे मूव करवाएगा बॉडी को, एंटी क्लॉकवाइज. पर अल्टीमेटली बॉडी कैसे जा रही है, टूवर्ड्स राइट. तो अगर अल्टीमेटली बॉडी कहां जा रही है, टुवर्ड्स राइट, तो उस केस में कौन सा टॉर्क बड़ा होगा, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज,
क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज माइनस एंटी क्लॉकवाइज नेट टॉर्क इज इक्वल टू व्हाट, जैसे नेट फोर्स क्या होती है मास इनटू एक्सेलरेशन, वैसे नेट टॉर्क क्या होता है आई टाइम्स अल्फा, तो आई इनटू अल्फा। ये स्टेप समझ में आ गया यहां तक? तो एक बड़ा टॉर्क एक छोटा टॉर्क, नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई टाइम्स अल्फा। अब प्योर रोलिंग में हमने क्या डिस्कस किया था, वी सेंटर ऑफ मास इज आर ओमेगा या ए सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू आर अल्फा, ये फॉर्मूला लगाते थे। तो आप इसमें अल्फा को क्या पुट कर सकते हो, ए सेंटर ऑफ मास बाय आर, यहां पुट कर दो, आर कॉमन आ गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्फीयर का क्या होता है 2/5 एम आर स्क्वायर, और अल्फा की जगह क्या पुट करेंगे ए सेंटर ऑफ मास बाय आर, एक आर से ये आर कैंसिल, इस आर से ये आर कैंसिल, इक्वेशन नंबर टू। इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर टू साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, सॉल्व करके क्या आ जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, और अगर कोई क्वेश्चन में पूछ ले फाइंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो आप ए सेंटर ऑफ मास को ऊपर पुट करके यू कैन कैलकुलेट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑल्सो। इस तरीके से निकलती है स्टैटिक फ्रिक्शन बाय फ्री बॉडी डायग्राम। कोई फॉर्मूला नहीं लगाएगा, म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन इसमें लगेगा नहीं, काइनेटिक में लग सकता है, स्टैटिक में नहीं लगेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? अच्छा चलो, मान लो एक स्टूडेंट कहता है कि मेरे को ना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मालूम नहीं पड़ा, मैं लगा देख नहीं पाया क्वेश्चन में कि ये पार्टिकल पीछे जा रहा था और फ्रिक्शन मुझे आगे लेनी थी, मैंने गलती से उल्टा कर दिया, मैंने यहां की फ्रिक्शन आगे लेने की बजाय पीछे ले ली, अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा। देखो तो सेंटर ऑफ मास अभी भी आगे जा रहा है, तो आगे की फोर्स माइनस पीछे की फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, पहली क्वेश्चन ये रही, पहले दोनों फोर्सेस आगे थी, अब एक फोर्स आगे एक फोर्स पीछे। टॉर्क की बात करें, अब ये फोर्स कैसे टॉर्क प्रोड्यूस करवाएगी इसमें क्लॉकवाइज, कितना आर इनटू एफ, और ये फोर्स कैसे प्रोवाइड करेगी एंड क्लॉकवाइज, क्यों, क्योंकि जब फोर्स यहां लगेगी तो बॉडी कैसे घूमेगी इन क्लॉकवाइज, कितना आर इनटू एफ, दोनों ही क्लॉकवाइज हैं, दोनों क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज टॉर्क ऐड हो गए, और नेट टॉर्क क्या होता है आई टाइम्स अल्फा। तो फिर से आई की जगह 2/5 एम आर स्क्वायर, अल्फा जो ऊपर निकाला था ए सेंटर ऑफ मास बाय आर, तो आर से आर कॉमन कैंसिल हो गया, इस आर से ये आर कैंसिल, तो इक्वेशन नंबर टू। वन एंड टू को जब साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे बस फर्क ये होगा कि ए की वैल्यू पॉजिटिव की बजाय ए की वैल्यू नेगेटिव आएगी, इसका मतलब आपने डायरेक्शन फ्रिक्शन की गलत ली, पर मैग्नीट्यूड गलत नहीं आएगा, मैग्नीट्यूड हमेशा सही आएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? हाँ, मेथड टू लगाएंगे नहीं, वैसे बता रहा हूं कि क्या होगा अगर आप गलत करोगे, लगाएंगे मेथड वन, हम सोच के लगाएंगे एक पार्टिकल अगर लेफ्ट जा रहा है रोलिंग में तो फ्रिक्शन राइट ही होगी। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक, तो जैसे एक क्वेश्चन है, एक सिलेंडर है, ये रहा एक सिलेंडर, इस सिलेंडर का जो मास है ना वो 2m है, ब्लॉक का मास m है, और यहां पर फ्रिक्शन है, आपने सिस्टम को रिलीज कर दिया, ये ब्लॉक नीचे आता जा रहा है, ये स्ट्रिंग नीचे आ रही है, ये स्ट्रिंग राइट जा रही है, जब स्ट्रिंग राइट जाएगी तो ये सिलेंडर क्लॉकवाइज घूमते घूमते आगे आएगा। आपको एक्सेलरेशन निकालनी है, ये मास कितनी एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, स्ट्रिंग का कोई मास नहीं है, तो यहां पर टी एन टी जैसे हम नॉर्मल लेते हैं बिल्कुल वैसे का वैसा ही होगा। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट, अब क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है इट इज अ केस ऑफ प्योर रोलिंग, तो फ्रिक्शन बोलो कौन सी एक्ट करेगी, स्टैटिक। स्टैटिक ये वाला जो लोअर मोस्ट पार्टिकल है कहां जाने की कोशिश कर रहा है, लेफ्ट, तो फ्रिक्शन कहां इसके ऊपर, राइट। हालांकि अगर आप गलत भी ले लेंगे तो मैंने बताया आंसर में ज्यादा फर्क, मैग्नीट्यूड में तो कम से कम कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट रूल समझ में आ रहा है कि अगर पार्टिकल कहां जा रहा है, लेफ्ट, तो फिर फ्रिक्शन राइट। इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, प्योर रोलिंग के अंदर हमने क्या डिस्कस किया, अगर सेंटर ऑफ मास मूव करता है विद द वेलोसिटी ऑफ वी, तो टॉप का पॉइंट मूव करेगा विद द वेलोसिटी ऑफ 2v और बॉटम मोस्ट पॉइंट 0, यही रूल है। एक और रूल है,
अगर सेंटर ऑफ मास मूव करता है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ ए, तो टॉप का पॉइंट मूव करेगा विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2a और बॉटम का अभी भी 0। कोई डाउट इसमें? याद रहेगा रिजल्ट? अच्छा, रिजल्ट चेंज करके पूछूं, अगर टॉप का पॉइंट मूव करता है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 10, तो सेंटर ऑफ मास कितनी एक्सेलरेशन से मूव करेगा? 5, आधा कर दो। अगर ये 2a है और ये पूछ लूंगा तो a, और अगर ये a है और ये पूछ लूंगा तो 2a। कोई डाउट इसमें? लगाएं ये रूल। देखो, इसके अंदर ये बताओ कि ये स्ट्रिंग नीचे कितनी एक्सेलरेशन से आ रही है, a, तो ये स्ट्रिंग राइट कितनी एक्सेलरेशन से जाएगी, a। देखो ना, स्ट्रिंग तो एक ही है, a एंड a। तो अगर इस टॉप मोस्ट पॉइंट की एक्सेलरेशन a है, तो फिर सेंटर ऑफ मास की क्या होगी, a by 2। रोलिंग हो रहा है ना, तो सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन हाफ हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये समझ में आ गया? बस ये इसमें इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो एक इक्वेशन तो ब्लॉक की लगेगी, जो ब्लॉक है उसकी इक्वेशन लॉज ऑफ मोशन से बोलो, एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम इन टू ए। कोई डाउट इसमें? पहला स्टेप क्लियर है, एम जी माइनस टी इज एम ए। और दूसरा सिलेंडर के लिए, सिलेंडर क्योंकि किसमें है, प्योर रोलिंग में, और अगर सिलेंडर प्योर रोलिंग में है तो उस केस में ट्रांसलेशन एंड रोटेशन की अलग अलग रहेगी। ट्रांसलेशन की इक्वेशन किस पे लगेगी, सेंटर ऑफ मास पे। तो बोलो इस पे राइट की तरफ कितनी फोर्सेस हैं, टी एंड एफ। इक्वेशन क्या बनेगी, टी प्लस एफ इज इक्वल टू मास कितना है इसका, 2m, और सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन कितनी अभी निकाली हमने, a by 2। क्या ये रूल क्लियर है? कैसे? ठीक, ट्रांसलेशन में टी प्लस एफ इज मास इनटू एक्सेलरेशन, फर्स्ट इक्वेशन क्लियर है। दूसरी टॉर्क की देखो, ये टी इसको कैसे मूव करवा रहा है टुवर्ड्स राइट, तो टॉर्क क्या होगा, आर इंटू टी क्लॉकवाइज। और ये फ्रिक्शन कैसे है इस तरफ, तो कैसे मूव करवा रहा है इसे, एंटी। सोचो ना, अगर यहां फोर्स लगाओगे तो बॉडी ऐसे घूमेगी, तो आर इंटू टी क्लॉकवाइज, आर इंटू एफ एंटी क्लॉकवाइज। नेट टॉर्क क्या होता है, आई इंटू अल्फा। तो अभी शॉर्टकट करवाया था कि जो ए सेंटर ऑफ मास होता है इज इक्वल टू आर इंटू अल्फा, पर यहां पर ए सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन कितनी है, ए बाय 2। तो यहां से अल्फा क्या आ जाएगा, ए बाय 2r। इस अल्फा को यहां पुट कर देते हैं, ए बाय 2r। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिलेंडर का क्या होता है, हाफ एम आर स्क्वायर, पर सिलेंडर का मास यहां पर m नहीं है, 2m है, तो हाफ इंटू 2m इंटू आर स्क्वायर। और यहां से r और r कॉमन आ गया, एक r से एक r ये कैंसिल, एक r से ये एक r कैंसिल, इक्वेशन नंबर 3। आप सिंपली इक्वेशन नंबर 3 को और 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो। ये सेकंड और थर्ड इक्वेशन को लिखा मैंने, इन्हें ऐड किया, एफ एफ कैंसिल, तो टेंशन की वैल्यू आएगी, कैलकुलेशन गलत है, इन्हें ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 3ma by 2 आएगा, तो यहां पर 3ma by 4 आंसर आएगा। करेक्शन करो, यहां पर 3 करो, यहां पर भी 3 करो, 3ma by 4। हां जी, ठीक है यहां तक? तो ये भी कैलकुलेशन ठीक कर लेना, क्योंकि अगर आपको a निकालना है तो जो t की वैल्यू है उसको ऊपर की इक्वेशन में पुट करके, जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें पुट कर लेना, आपके पास आंसर आएगा। ठीक, आंसर सही कर लेना, आंसर गलत है इसका, अब कैलकुलेशन खुद करना। पर क्या आपको पॉइंट समझ में आ रहा है कि इसको कैसे करना है? कोई डाउट इसमें? क्वेश्चन को आज नहीं करना, नेक्स्ट टाइम करेंगे। अभी मैंने आपको एक सब्जेक्टिव शीट दी है, शीट नंबर क्या है, 20। सब्जेक्टिव शीट नंबर 20 ओपन कर सकते हो, और जो रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं प्रिंट ले लें, सब्जेक्टिव 20।
ठीक, इसके क्वेश्चन जरा अभी मार्क करो जो आपको भी करने हैं। क्वेश्चन नंबर वन, एट वन, एट ट्वेल्व, थर्टीन, ट्वेंटी वन, इतने होने नहीं है अभी, वैसे जितने भी होंगे देखते हैं। आप क्वेश्चन नंबर वन एट तो कम से कम करो, वन एंड एट। हाँ, क्वेश्चन नंबर एक और भी है इसमें, बच्चे कह रहे थे ये भी करवा दो। एक टेस्ट का क्वेश्चन था यार कोई इसमें ना, ट्वेंटी नहीं, इस पहले पेज में भी है कुछ। कौन सा? हाँ यही है, टेंथ। हाँ यहाँ तक हुआ था हमारा आज, वन एट और टेंथ तक हुए हैं, राइट। ये तीन क्वेश्चन करने हैं अभी, वन एट और ट्वेल्व। स्टार्ट करो, वन एट और ट्वेल्व तो अभी करो, बाकी तो चलो आप होमवर्क करके आना। वन एट और ट्वेल्व शीट तो पूरा होमवर्क है, पूरी शीट होमवर्क है, पर अभी वन एट और एट और ट्वेल्व वन करो पहले। क्वेश्चन नंबर वन, व्हील साथ साथ बताना, रोटेटिंग एट एंगुलर स्पीड ऑफ 20 रेडियन पर सेकेंड, क्या गिवन है? ओमेगा नॉट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 20 रेडियन पर सेकेंड, ब्रॉड टू रेस्ट का मतलब ओमेगा इज इक्वल टू जीरो, कितनी देर में? इन 4 सेकेंड। तो यहां से कम ये तो पता ही लग रहा है, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस एल्फा टी, जीरो इज इक्वल टू 20 प्लस एल्फा इन टू 4, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है? -5 रेडियंस पर सेकंड का स्क्वायर। अब वो कह रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया व्हील का मुझे पता है कितना, 0.20 केजी मीटर स्क्वायर। क्या निकालना है? टॉर्क निकालना है जो बॉडी को स्टॉप करेगा इन 2 सेकंड। टॉर्क होता क्या है बताओ? आई टाइम्स अल्फा। तो आई तो मुझे पता ही है इसमें कि 0.20 है, बस मुझे क्या निकालना है इसमें? अल्फा। और रादर मुझे टॉर्क नहीं, मुझे वर्क डन निकालना है, मुझे वर्क डन निकालना है। चलो ये भी यू काम आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। मुझे वर्क डन निकालना है इन 2 सेकेंड। मुझे एक बात बताओ, वर्क डन वैसे काइनेमेटिक्स में होता क्या था? F(s) रोटेशनल मोशन में बोलो क्या होगा? टॉर्क इनटू थीटा, क्योंकि एफ की जगह टॉर्क होगा और डिस्प्लेसमेंट की जगह थीटा होगा। कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक? तो टॉर्क तो हम निकाल ही लेंगे आई टाइम्स अल्फा से, अब हमें क्या निकालना पड़ेगा? थीटा, क्योंकि आई की वैल्यू मुझे मालूम है इसमें 0.20 है, अल्फा मुझे मालूम है -5 है, सिर्फ और सिर्फ थीटा चाहिए, और थीटा कितनी देर में? इन 2 सेकेंड। तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी हाफ इंटू अल्फा इंटू टी का स्क्वायर, ओमेगा नॉट इसमें कितना है? 20, और टाइम कितना है? 2 हाफ, अल्फा की जगह कितना? -5 इनटू टाइम की जगह 2 का स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी? कोई 30 रेडियंस आ रही है, तो इसको आप उठा के यहाँ पुट करेंगे। वर्क डन नेगेटिव ये शो कर रहा है, रिटार्डेशन के अगेंस्ट वर्क डन है, आप रोकने की कोशिश कर रहे हो इस घूमती हुई बॉडी को, तो वर्क डन नेगेटिव आएगा।
माइनस आंसर, हाँ तो मैं तो कह रहा हूँ माइनस आएगा ना, क्योंकि बॉडी की फाइनल ओमेगा जीरो हो रहा है ना, रुक रही है, रुकने में वर्क डन नेगेटिव होते हैं और एक्सेलरेशन में वर्क डन पॉजिटिव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर एट के अंदर देखो क्वेश्चन में ये गिवन है कि एक हॉलो सिलेंडर है, पहले बात तो नोट कर लो, जो हॉलो सिलेंडर होता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का फॉर्मूला एम आर स्क्वायर होता है, हाफ एम आर स्क्वायर नहीं होता, सॉलिड का हाफ एम आर स्क्वायर, हॉलो का एम आर स्क्वायर, नोट करते जाओ फॉर्मूला। तो इसका मास आपको गिवन है 3 kg, आपको इसका रेडियस गिवन है कितना 0.40 मीटर्स, एंगुलर एक्सेलरेशन निकालनी है आपको अल्फा, अगर इसको एक रस्सी से खींचा जा रहा है 30 न्यूटन, ये गिवन है। ठीक, जब आप फोर्स लगाते हो तो आप क्या जनरेट करवाते हो, टॉर्क, टॉर्क क्या होता है आर इंटू एफ, और रेडियस कितना है इसमें 0.40 इंटू 30, टॉर्क आ गया, पर टॉर्क होता क्या है आई टाइम्स अल्फा, तो इक्वेट कर लेते हैं 0.40 इंटू 30 इज आई इंटू अल्फा, 0.40 इंटू 30 आई की जगह एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा, मास आपको क्वेश्चन में 3 kg गिवन है और आर आपको 0.40 का स्क्वायर गिवन है, यहां से अल्फा निकाल के आंसर आएगा। मेथड समझ में आ रहा है, आर इंटू एफ इज इक्वल टू आई टाइम्स अल्फा। ठीक, मेथड समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 एक बार प्लीज देखो, तो ट्राई करो क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 10 में, हो गया 10th। तो एक स्फेयर है, स्फेयर का मास कितना केजी है, 2 kg है एंड रेडियस 0.05 मीटर है, रोटेटिंग एट अ रेट ऑफ 300 रेवोल्यूशंस पर मिनट, ये एक फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो एक काम करते हैं 300/60 RPS, तो फ्रीक्वेंसी 5 RPS, तो ओमेगा क्या होगा 2π इंटू फ्रीक्वेंसी, 2π इंटू 5 यानी कि 10π रेडियंस पर सेकेंड, ये ओमेगा नॉट लेते हैं, ये इनिशियल ओमेगा नॉट है, पर वो क्या कह रहा है आप इसको स्टॉप करना चाहते हैं, स्टॉप करने का मतलब ओमेगा इज इक्वल टू 0। ठीक है यहां तक, ओमेगा इज इक्वल टू 0 और कितनी देर में स्टॉप करना चाहते हैं इन 6.28 revolutions। ठीक, आपको इसमें निकालना क्या है, टॉर्क निकालना, बताओ टॉर्क होता क्या है, आई टाइम्स अल्फा, आई तो हमें पता है 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा, 2/5 मास हमें पता है स्फीयर का कितना 2, रेडियस कितना है 0.05 का स्क्वायर इंटू अल्फा, मुझे क्या निकालना है सिर्फ अल्फा, ठीक मुझे अल्फा निकालना है, क्लियर है।
तो अल्फा निकालने के लिए काम करते हैं, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज 2 इनटू अल्फा इनटू थीटा। ओमेगा जीरो है, ओमेगा नॉट कितना है 10 पाई का होल स्क्वायर 2 इनटू अल्फा इनटू थीटा। अब थीटा के लिए एक बात बताओ, अगर एक रेवोल्यूशन है तो बोलो कितने रेडियंस है, 2 पाई रेडियंस है, एक चक्कर सेंटर पे 2 पाई एंगल कवर करता है, तो 6.28 रेवोल्यूशंस में एंगल कवर्ड कितना होगा 2 पाई इनटू 6.28 थीटा गिवन है, तो थीटा पुट कर लो 6.28 इनटू 2 पाई। तो यहां से अल्फा निकाल लेना, अल्फा सॉल्व करके आ रहा है कोई नहीं, मेरे पास आंसर नहीं अल्फा का, तो जो भी आएगा इस अल्फा को पुट कर लेना और टॉर्क की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। आपको मेथड समझ में आ गया, ठीक, प्रैक्टिस से आएगा नहीं तो नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, प्रैक्टिस करो। ये शीट आपका होमवर्क है, सारी शीट आपको ट्राई करके आनी है एक बार, और फिर नेक्स्ट टाइम यहीं से स्टार्ट करेंगे इसके डिस्कशन से, पर प्लीज़ ट्राई ज़रूर करके आए। संडे को रोटेशनल मोशन का ऑब्जेक्टिव रेडी रखें, जितना भी हमने काम किया उसका एक बेसिक लेवल का पहला ऑब्जेक्टिव होगा, फिर सेकेंड ऑब्जेक्टिव होगा, दो ऑब्जेक्टिव लेंगे इसके, तो पहले रोटेशनल मोशन से स्टार्ट करते हैं, तो आप प्लीज़ रिवाइज करना सारा।